प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य का शरीर, ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट the only function of the spinal cord because we know that we are thinking being. Spinal cord is composed of nerves that supply information to think about. बच्चों, आप तंत्रिका तंत्र के बारे में तो जानते ही होंगे। हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका बिछी हुई है। ये क्या करती हैं? सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मेडुला ऑब्लॉगेटा इस सूचना को ग्रहण करता है, फिर संदेश मस्तिष्क को देता है। मस्तिष्क दोबारा उसके में रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे दोबारा नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। फिर वो उस वस्तु तक या बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे कि हम किसी को काटा चुभोते हैं या कुछ करते हैं तो सबसे पहले ब्रेन में जाती है। ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुँचने के बाद उसका रिफ्लेक्स एक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन हैज थ्री सच मेजर पार्ट। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो क्या करता है? सोचने का कार्य करता है। इट हैज रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट रिसेप्टर्स। विभिन्न भागों में ये सूचना को पहुंचाता है। सेपरेट एरिया ऑफ फोर ब्रेन हैज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग। जैसे कि सुनने में, स्वाद को लेने में, सूंघने में और देखने में फोर ब्रेन कार्य करता है। इन्फॉर्मेशन को ये लेता है और दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। रिसेप्टर्स के रूप में काम करता है। सेकंड है, ये डिसीजन भी लेने का कार्य कर सकता है। काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एंड द इन्फॉर्मेशन इज पास्ड टू द मोटर एरिया ऑफ कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑलवेंट्री मसल्स। जैसे कि एग्जाम्पल है अवर लेग मसल्स, हमारे पैरों की मसल्स। सेकंड है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कनेक्ट द सेरिब्रम। मध्य मस्ती जो होता है वो सेरिब्रम से जुड़ा होता है। विद द हाइंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट मोटर इम्पल्स टू द लिम्ब मसल्स फ्रॉम सेरिब्रम। ऑल दीज इन्वॉल्ट्री एक्शन इंक्लूडिंग जैसे कि ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड ओमिटिंग, उल्टियाँ होना, कंट्रोल बाई द मेडुला इन हाइंड ब्रेन। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल से चलना, पिकिंग अप ए पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। ये किसे पॉसिबल है? वो पश्च मस्तिष्क से पॉसिबल है। इसे क्या कहते हैं? सेरिब्रम। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेकंड नंबर का पार्ट है ब्रेन का। इट रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। इट मेंटेन्स इक्विबेलम एंड कंट्रोल बॉडी पोस्चर। हम सीधे दो पैरों पे खड़े किस लिए रहते हैं? हिंड ब्रेन के कारण रहते हैं। ये कंट्रोल करता हमारी इतनी बड़ी बॉडी को। इमेजिन पोस्टर मेक्स स्मूथ स्टडी एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट। हमारे बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है, मूवमेंट में भी सहायता करता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट फेल टू द टेक प्लेस इफ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट। अगर हमारा मस्तिष्क नहीं रहेगा तो हमें सोचने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।